वेल कम बैक टू इकोनॉमिक्स में देखते वेल अभी हम समझते हैं बजट लाइन क्या है। बजट लाइन हमें बताया कि बजट लाइन शो द कॉम्बिनेशन और सेट अप टू गुड्स व्हिच अ कंज्यूमर कैन परचेस फ्रॉम अ गिवन इनकम। एक पर्टिकुलर इनकम में कंज्यूमर किसी दो चीज के कितने सेट खरीद सकता है उसको ही हम बोलते हैं, उसको हम बजट लाइन बोलते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए मान लेते हैं कि कंज्यूमर है, उस कंज्यूमर का जो बजट है, कंज्यूमर है उसका कंज्यूमर जो बजट है, कंज्यूमर के जेब में है मान लेते हैं कि 24 रुपीज, कितना है 24, और वो मार्केट में गया है। अब मार्केट में उसको दो चीजें मिल रही है, पहला है गुड एक्स और दूसरा है गुड वाई, कुछ भी गुड्स मान लेते हैं। इसकी जो प्राइस है वो प्राइस है मान लेते हैं कि 8 रुपीज है, और इसकी जो प्राइस है वो मान लेते हैं कि 4 रुपीज है। 24 रुपए कंज्यूमर के जेब में है और एक चीज है 8 रुपए की, दूसरी चीज है 4 रुपए की, 8 रुपीज एंड 4 रुपीज। अब वो कितने सेट खरीद सकता है देखते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, कंज्यूमर के पास में ये एक्स खरीद रहा वाई खरीद रहा है, इसकी प्राइस 8 है, इसकी प्राइस 4 रुपए। कंज्यूमर के पास में टोटल जो है वो पैसे हैं 24 रुपए, ठीक। तो पहला कॉम्बिनेशन या पहला सेट क्या बन सकता है? पहला सेट तो ये बन सकता है कि हो सकता है कि वो ये खरीदे ही नहीं, ये नहीं खरीदेगा तो पूरे पैसे कितने हैं 24 रुपए, 24, और 24 के 24 पूरे खर्च मान लीजिए उसने किए वाई पर, यानी कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 6 यूनिट खरीद पाएगा, ठीक। जब ये 0 भेज रहा है तब वो 6 खरीद पाएगा। सेट बी क्या हो सकता है कि ये एक्स की मान लेते हैं कि 1 यूनिट खरीदा, तो 24 रुपीज में से, 24 रुपीज में से 8 रुपीज गए बचे कितने 16, यानी कि वाई पर खर्च करने के लिए इसका बचे हैं 16, तो ये टोटल खरीद पाएगा 4 यूनिट, 4 यूनिट खरीद पाएगा वाई की, राइट। नेक्स्ट सी के लिए हम बात करें, एक और ऑप्शन हो सकता है कि वो ये 2 यूनिट खरीद ले, तो आप देखेंगे 24 रुपीज में से 2 यूनिट के लिए वो खरीदेगा 8 रुपए के हिसाब से, तो 2 into 8 into 2 16, 16 रुपीज चले गए, बचे कितने वाई के पास, ये उसके बाद बचे गए 8 रुपीज, 8 रुपीज बच रहे हैं कि वो वाई के यूनिट खरीद सकता है, 2 यूनिट वो वाई की खरीद पाएगा, 2 यूनिट वो वाई की खरीद पाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि वो सारे, मान लेते हैं कि 3 यूनिट खरीद लेता है वाई एक्स की, तो 24 रुपीज उसके पास है टोटल, एक्स की यदि 3 यूनिट खरीदेगा तो 8 3 24, यानी कि पूरे के पूरे 24 के 24 जो है खर्च हो गए, बचे कुछ भी नहीं, यानी कि वो वाई की कोई भी यूनिट नहीं खरीद पाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन हो सकता है कि या तो वो एक्स की 0 यूनिट खरीदे और वाई 6 यूनिट खरीदे, एक्स 1 खरीदे और ये 4 खरीदे, ये 2 खरीदे ये 2 खरीदे, ये 3 खरीदे ये 0 खरीदे, यही कॉम्बिनेशन हो सकता है, राइट। तो ये जो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है 0 से 6 या 1 to 4, इसको हम बोलते हैं बजट सेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बजट सेट। और इन सबको मिला है, यदि इन सारे सेट को मिला रहे हैं तो इन सारे सेट को मिला कर बोलते हैं बजट लाइन। इसको यदि हम ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो हमें मिलेगी बजट लाइन। कैसे? देखिए आप, आपने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया, ये इधर एक्स रख लिया, इधर वाई रख लिया आपने, आपने इधर ये 0 है, यहाँ पर 1 2 3 4 मान लेते आपने लिखा हुआ है। फिर यदि आप इसको देखेंगे तो वाई में आपने मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 4 6 और 8 1। अब आप इसको ड्रॉ करें, देखिए जब एक्स के 0 है तब वाई के 6 यूनिट है, ओके। जब बी के 1 यूनिट है
तो y के 4 यूनिट है, चलो ठीक है, मैंने यह पॉइंट लगाया। जब c की या c मतलब जो है ऑप्शंस में दोनों की दो दो यूनिट है, जब यानी जब ये 2 है तब ये भी 2 है, फिर याद रखिए जब ये 3 है तब ये 0 है, यानी कि ये पॉइंट यहां आ गया। यानी कि ये रहा आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये चार ऑप्शन हो सकते हैं, राइट। पहले आपने सभी को पॉइंट आउट किया, अब इस सारे पॉइंट को आप मिला दीजिए, तो ये सारे पॉइंट मिलकर क्या बन गए, इन सारे पॉइंट मिलकर बन गए बजट लाइन, बजट लाइन, कंज्यूमर बजट लाइन। इट मींस ये कि बजट लाइन एक ऐसा ही प्रेजेंटेशन है जो ये बताता है कि एक गिवन इनकम है, गिवन इनकम कितनी है 24, या गिवन बजट में, गिवन इनकम में दो गुड्स के कितने सेट आप कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, कितने सेट आप खरीद सकते हैं। एक सेट हो गया 0 और 6 का, दूसरा सेट हो गया 4 और 1 का, तीसरा सेट हो गया 2 और 2 का, चौथा सेट हो गया 0 और 3 का, तो ये कितने सेट खरीद सकता है, ये तो हो गया आपका बजट लाइन, राइट। इसमें जैसे आपको क्वेश्चन आया कि बजट लाइन क्या है, ये तो आपने बता दिया बजट लाइन ये होता है, आपने बोला बजट सेट क्या है, बजट सेट इट मींस आप एक एक किसी एक कॉम्बिनेशन को आप बजट सेट बोलेंगे। अब आपको इसमें स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है, देखिए स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है इसको पहले हम समझते हैं। स्लोप किसको बोला जाता है, स्लोप ये कि आप किस चीज गेन करने के लिए कितनी चीज को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इसको हम बोलते हैं स्लोप। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कि आपको एक्स को 0 से 1 है, मतलब एक गेन करने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 2, तो ये जो इसका रेशियो है इस रेशियो को हम बोलते हैं स्लोप। वैसे एक बात और भी है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, एक तो हमने ये बोला कि इसमें चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स, आपने बोल दिया कि वाई में एक्स में चेंजेस आ रहा है 1 का, तो आपने यहां लिखा 1, और वाई में चेंजेस आ रहा है 2 का, तो आपने यहां लिख दिया 2, हमको चेंज इन वाई लिखना था ऊपर और नीचे चेंज इन एक्स लिखना था, आपने लिखा कि चेंज इन वाई कितना, एक्स कितना आ रहा है 1 और चेंज इन वाई कितना आ रहा है 2, तो आपने ये 2 लिखा ये 1 लिखा, आपको मिला कि स्लोप ऑफ बजट लाइन 2:1 है। लेकिन स्लोप ऑफ बजट लाइन निकालने का ऐसा ही जरूरी नहीं कि इसको आप पूरा कैलकुलेशन करें तभी आपको मिलेगा। देखिए जो इनके प्राइस है, ये रहा 1 और 4, इनके प्राइस का भी आप रेशियो देखेंगे, प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई का रेशियो भी देखेंगे तो वो भी यही है 8:4, ये रहा 8:4, ये भी आप देखेंगे तो 2:1 ही आ रहा है। इट मींस स्लोप ऑफ बजट लाइन कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखने की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है कि कितनी यूनिट गेन करने के लिए कितनी यूनिट हमें सेक्रीफाइस करना पड़ती है, गेन और सेक्रीफाइस बताने की जरूरत ही नहीं, ये वही रेशियो होगा जो उनकी प्राइस का रेशियो। यानी कि आप स्लोप ऑफ बजट लाइन की जब भी बात आती है तो आपको यह सब कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोल सकते हैं स्लोप ऑफ बजट लाइन इट मींस व्हाट, इट मींस प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई, इट मींस स्लोप ऑफ बजट इज द रेशियो बिटवीन द प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटीज, तो जो गिवन गुड्स है उनकी प्राइस का जो रेशियो है वही स्लोप ऑफ बजट लाइन है, राइट। थैंक यू।